एक एक करिए जो ओपन जिम यहाँ हमने लगवाई है, ये डिमांड काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई प्ले ग्राउंड है हमारी पंचायत टांडे में, और ना ही कोई ऐसी जगह है, कोई पार्क नहीं है, कोई मतलब है लोगों के कोई स्ट्रीट वॉक जैसे होती है वो भी नहीं है, कोई गार्डन नहीं है। तो हमने अथॉरिटी से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जिम दी जाए। अब उन्होंने जिम तो दे दी है, तो हमारे पास जगह नहीं थी कि हम इसको कहीं और शिफ्ट कर लेते, तो ये जो पंचायत घर के लिए जगह दी हुई है हमने, तो उसी में हमने इसको एडजस्ट करवाया। तो हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन्होंने जिम हमें कोई तकरीबन 3 लाख के लागत से यहाँ लगाई गई है, और एक 5 लाख का ये हैंड पंप है जो काफ़ी गहरा है, कोई 300 फुट गहरा है। ये दोनों चीज़ें हमें मजबूरी में यहाँ पंचायत घर में की ज़मीन में लगवानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो इसलिए हम प्रशासन से यही आपके माध्यम से अपील करते हैं कि हमें जगह प्रोवाइड की जाए, और जगह की निशानदेही हम जल्दी करने वाले हैं। हमारे गांव में ही कोई स्टेट लैंड है, तो उसका हम कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ एक ग्राउंड ज़रूर देंगे। हम इस ओपन जिम के लिए लोगों को ये सबसे ज़रूरी हदायत तो ये देंगे कि इसको अपनी जिम समझें, कोई ये ना समझे ये सरकारी माल है या ये है वो है, इसको बड़े अच्छे तरीके से सब लोग इसका ध्यान रखें, और यहाँ आकर जो एज्ड हैं वो भी उसके लिए, उनके लिए भी मशीनें हैं, जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, तो इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें और अपने घर की चीज़ की तरह समझकर इस्तेमाल करें। ये ना समझे ये सरकारी माल है, ये हमारे ही लोगों का दिया हुआ पैसा जो है, तो गवर्नमेंट हमें इसकी सूरत में दे रही है। तो बस यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े हैं वो भी आएँ, और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें ताकि वो एक्सरसाइज की तरफ आएँ। ठीक है, जहाँ पर आके थोड़ा टाइम अपना बतीत करेगा, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम यूथ अब ज़्यादा यूथ नशे की ओर जा रहा है, लेकिन ऐसे हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हर पंचायत में ऐसी जिमें दी जाएँ, और लोग जो यूथ नशे की ओर दौड़ रहा है उनको खेल खेल कूदों की साइड लेकर जाएँ।